आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.8 का हम अब रिवीजन करेंगे। पेज नंबर 32 पर है, 2.8 का रिवीजन करते हैं। पेज नंबर 32 पर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी है। ए और बी हमने इसको आपको पढ़ाते हुए बताया था, तो सी से हम स्टार्ट करते हैं इसका रिवीजन करना। सी और डी हम आपको बता देते हैं, उसी तरीके से सारे क्वेश्चन है कैसे सॉल्व किया जा रहा है। इसमें प्लस और माइनस दोनों है, इसको सिंप्लीफिकेशन भी आप कह सकते हैं। तो जब प्लस और माइनस दोनों सिंपल एक ही क्वेश्चन में आते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट बी है टू सॉल्व प्लस, पहले हमें प्लस वाले नंबर को सॉल्व करना होता है। प्लस कहाँ पे है, नंबर बिफोर है प्लस साइन इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर, नंबर बिफोर है प्लस साइन। और जिस नंबर के पहले, देखिए यहाँ पे इस नंबर के पहले कोई भी सिंबल नहीं है, इट मींस यहाँ पे प्लस है। अगर इस स्टार्टिंग में जैसे कोई नंबर लिखा जाता है, मान लीजिए आपने कोई नंबर लिखा है 25, अब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, इट मींस ये पॉजिटिव है। अगर ये नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे माइनस लगाया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 34,252 माइनस 14,353 प्लस 13,243, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम पॉजिटिव नंबर को सॉल्व करेंगे, ये नंबर प्लस में है और इसके पहले प्लस है, तो इसको और इसको हम ऐड करेंगे। ऐड करिए यानी कि इसको आप 34,252 प्लस 13,243 ऐसे आप लिख सकते हैं, माइनस 14,353। इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करिए। आप चाहे तो रफ में कहीं प्लस कर सकते हैं अलग से, ऐसे डायरेक्ट कर सके तो डायरेक्ट कर लीजिए। ऐड करिए 3 + 2, 1 से डिजिट पे 3 है, 1 से डिजिट पे 2 है, 1 से डिजिट को ऐड करेंगे 3 + 2 5, 10 से डिजिट देखें 4 + 5 9, 100 डिजिट देखिए 2 + 2 4, 1000 डिजिट देखिए 3 + 4 7, 10,000 डिजिट देखिए 3 + 1 4, माइनस ये आपका सॉल्व हो गया, ये आपका ये सॉल्व हो गया। इसकी जगह पे हमने इसको ऐड करके इतना लिख दिया। अब इसके बाद माइनस 14,353 माइनस कर लीजिए इसको, 5 - 3 ये 2, 9 - 5 ये 4, 4 - 3 ये 1 एंड 7 - 4 ये 3, 4 - 1 ये 3, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट का डी देखते हैं। 5,34,632 5,34,632 माइनस 4,36,361 प्लस 13,253, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको इस नंबर के पहले पॉजिटिव साइन, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इन दोनों को साथ में लिखिए। 5,34,632 प्लस 13,253 माइनस 4,36,361। आप चाहें तो इनको और इन दोनों नंबर को ऐड करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिखने की कोई जरूरत है नहीं। हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पे समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब आइए ऐड करते हैं दोनों नंबर को, 1 से डिजिट देखिए 2, 3, 5, 10 से डिजिट 3, 5,
आई ए इफ आई ए 100 टू ए 1000 डिजिट 4 प्लस 3 7 10000 डिजिट 3 प्लस 1 4 ईयर लास्ट में 5 माइनस 4 3 6 3 6 1 माइनस करेंगे 1 से डिजिट माइनस हो करेंगे 1 से डिजिट में से 5 माइनस 1 4 यहां पे 8 माइनस 6 2 8 माइनस 3 5 7 माइनस 6 1 4 माइनस 3 1 5 माइनस 4 ईयर 1 ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से बाकी इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व किए जाएंगे। तो आप लोग होमवर्क नोट कर लीजिए, सॉल्व एक्सरसाइज 2.8। पहले आप इसको एक बार लैपटॉपी में सॉल्व करके अपना रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद अगर नोट्स आपका कंप्लीट नहीं होगा तो नोट्स बना लीजिएगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। इसी वाला बस जय हिंद।